हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग नेशन में आज हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इटरेटिव मॉडल्स में तो चलिए देखते हैं द एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज दैट देयर इज अ वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम एट ए वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट विच मेक्स इट इजियर टू फाइंड फंक्शनल और डिजाइन फ्लॉज फाइंडिंग इशूज एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एनेबल्स टू टेक करेक्टिव मेजर्स इन ए लिमिटेड बजट्स तो वही बोला गया है कि यहाँ पर कि क्या होता है कि जो आ, हमारे पास इस मॉडल को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे पास पहले ही एक मॉडल आ चुका होता है एंड देन हम उसमें आ, वापस से अपडेट रिलीज़ करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास पहले से ही एक मॉडल है एंड अब उस मॉडल को हम लोग डिप्लॉय करते थे, थे कस्टमर्स के साइट में और उसके बाद क्या होता है कि Uh, हम लोग रियल यूजर से हम लोग फीडबैक लेते हैं कि आप बताइए क्या इश्यूज आ रहे हैं एंड देन हम इश्यूज को फिक्स करते हैं तो क्या होता है कि uh, हमारा जो कॉस्ट uh, होता है uh, वो कम पड़ जाता है क्योंकि uh, इसमें क्या होता था वाटर फॉल मॉडल में हम लोग को प्रोडक्ट मिलता था एट द एंड ऑफ द प्रोसेस बट वहाँ पर चेंजेस लाना फिर प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वापस से हमको वापस से रिक्वायरमेंट में जाना है एंड देन पूरे फेज कंप्लीट करना है तो वहाँ पर चेंज इज वेरी एट ए हाई कॉस्ट बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पर हम लोग पहले छोटा सा एक मॉडल डिप्लॉय करते हैं उसके बाद धीरे 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 इम्प्लीमेंट करते हैं रिक्वायरमेंट्स uh, लाते हैं उस प्रोडक्ट में तो uh, यहाँ पर इस तरीके से काम होता है तो एक सबसे पहली बात तो रिक्वायरमेंट हम लोग ईजिली वापस से हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं प्लस एक हमारे पास जल्दी एक मॉडल बन जाता है जैसे कि uh, मुझे यहाँ पर अगर पाँच दिन में मिल रहा है तो मॉडल फॉर मॉडल में मुझे एक महीने बाद मिलेगा क्योंकि उसको पूरा प्रोसेस होने के बाद उसमें से प्रोडक्ट निकलता है

चेक कर सकते हैं और न्यू आ, जो हमारा प्रोडक्ट जो न्यू अपडेट है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको डिप्लॉय कर सकते हैं तो यहाँ पर पैरेलल काम हो सकता है जो कि वाटर फ्रंट मोटर में पैरेलल काम नहीं हो सकता था वहाँ पर आ, एक बार जो स्टेप कंप्लीट हो गई वो हो गई बट यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर हम वापस से हमारी जो दूसरी टीम है वो वापस से जो न्यू रिक्वायरमेंट है उसको चेक करेगी साथ ही साथ जो हमारा पहले का जो काम हो रहा है वो भी चलता रहेगा तो यहाँ पर साथ बाय सात में साथ में काम होता है पैरल काम होता है प्रोसेस कैन बी मेजर्ड तो यहाँ पर प्रोसेस मेजर करना इजी हो जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर वर्जन में काम करते हैं बिल्ड में काम करते हैं कि बिल्ड नंबर वन हुआ कि नहीं हुआ बिल्ड नंबर टू का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा तो इसमें जो ट्रैक करने की सुविधा है ये बहुत अच्छी है लेस कॉस्टली टू चेंज द स्कोप रिक्वायरमेंट्स तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स है उसको जब हमें चेंज करना पड़ता है तो यहाँ पर उतना कॉस्ट नहीं आता क्योंकि ये बना ही उस चीज के लिए है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है एंड न फोर्टी रिक्वायरमेंट चेंज होती ही है तो रिक्वायरमेंट चेंज करने में जो कॉस्ट आता है कॉस्ट किस बात पे कि वापस से रिक्वायरमेंट में जाओ वापस से एनालाइज करो वापस से कोडिंग करो लाइक like उस टाइप का एक कॉस्ट पड़ जाता है उस चीज में जो कि वाटरफॉल मॉडल में बढ़ जाता था बट यहाँ पर आ, देखा जाए तो उससे रिलेटिवली कम हुआ है वो प्राइस टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग स्मॉलर इट्रेशन इज ईजी तो यहाँ पर ऐसा होता है कि हम लोग इट्रेशंस में काम करते हैं तो यहाँ पर टेस्ट करना और इश्यूज़ को फाइंड करना इजी हो जाता है क्योंकि हमारे पास पहले एक छोटा सा मॉडल होता है उसमें हम काम करते हैं धीरे 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 हम लोग इम्प्लीमेंट करते जाते हैं तो यहाँ पर एक ही बार में हमारे पास बड़ा सा प्रोडक्ट नहीं आ जाता है और उसको टेस्ट करना पड़ता है वो बहुत हार्ड हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग मतलब स्मॉल uh, पार्ट्स में हम लोग जब काम करते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ इजी होती है काम करने में जब हमारे पास उसका छोटा पोर्शन होता है जब वही चीज़ बड़ी हो जाती है तो बहुत डिफिकल्टी हमें दिखती है या हमें महसूस होती है। है 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 तो सेम थिंग कि जो यहाँ पर रिस्क वो कम हो जाता है क्योंकि हम इटरेशंस में काम करते हैं हमारे पास छोटे छोटे काम होते हैं तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा काम और रिस्क इजी हो जाता है साथ ही साथ इसको मैनेज करना भी इजी हो जाता है क्योंकि छोटी सी चीज है एक इटरेशन में हमें कुछ कुछ सर्टन काइंड ऑफ वर्क करना है बस तो Uh, इसलिए ये थोड़ा एक इजी बन जाता है जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना चालू कर देते हैं इस इस मॉडल को यूज करके इजी टू मैनेज रिस्क हाई रिस्क पार्ट इज डन फर्स्ट सेम थिंग है विध एवरी इंक्रीमेंट ऑपरेशनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड तो वही बोला कि एक बार इंक्रीमेंट चालू हो जाता है तो हम लोग धीरे 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 इंक्रीमेंट करते जाते हैं एंड प्रोडक्ट में फीचर्स हम लोग इवॉल्व करते जाते हैं एंड देन फीचर्स बढ़ाते हैं उसके बाद न्यू न्यू रिक्वायरमेंट्स जो है उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो धीरे 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 हमारा जो प्रोडक्ट है वो इवॉल्व होता है तो इस तरीके से ये मॉडल काम करता है इशूज़ चैलेंजेस एंड रिस्क आइडेंटिफाइड फ्रॉम ईच इंक्रीमेंट कैन बी यूटिलाइज अप्लाइड टू द नेक्स्ट इंक्रीमेंट तो जो भी इशूज़ हमें आते हैं इंक्रीमेंट में हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट में तो ये सारी चीज़ें होती है और ये सारी एडवांटेजेस है जब हम लोग इटरेटिव या इंक्रीमेंटल मॉडल को यूज़ करते हैं तो लाइक अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो आपके पास रिक्वायरमेंट्स uh, चेंज होने की संभावना है तो यू कैन गो विद दिस मॉडल दिस मॉडल इज परफेक्ट फॉर दैट वन सो रिस्क एनालिस इज बैटर इट्स सपोज चेंजिंग रिक्वायरमेंट इनिशियल ऑपरेटिंग टाइम इज लेस बेटर सुटेड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस अर्ली विच फैलिटेट्स कस्टमर इवोल्यूशन एंड फीडबैक तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है ये आप नोट डाउन कर लो ऐसे तो आपको समझ में आ चुका होगा अभी कि हमें एग्ज़ाम में कैसा लिखना है और क्या लिखना है तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें से ही कुछ कुछ पॉइंट्स आपको वापस से घुमा फिरा के एंड देन न्यू न्यू एग्जाम्पल भी दे देना पेपर में तो इस तरीके से आप लिख सकते हो तो ओवरऑल बस समझ लो कि ईजी uh, है मैनेज करना प्रोजेक्ट को उसके बाद रिक्वायरमेंट्स चेंज करना ईज़ी है कॉस्ट कम हो जाता है जब हम रिक्वायरमेंट्स इसमें वापस लेके आते हैं हम प्रोडक्ट हमको जल्दी मिल जाता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज uh, है और उसके बाद कस्टमर फीडबैक ये सब ले सकते हैं ऑपरेटिंग टाइम कॉस्ट है एंड देन छोटे छोटे प्रोडक्ट में हम लोग काम करते हैं तो ये सारी ना छोटी छोटी बातें अपने तो दिमाग में रख लो उसी को देन बड़ा कर लो पेपर में बड़े से लिख लो तो ये हो गया आपका एक प्लान की पेपर में आपको कैसे लिखना है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या होता है इस मॉडल का सो so बने रहिए है नेशन के साथ थैंक यू